का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ इस तरफ यहाँ पे, और यहाँ इस तरफ अभी हमने उस तरफ देखा, जैसे कि हमने ब्रिज के उस तरफ देखा कि फाइनली अभी गटर लॉन्च हो रहा था। और यहाँ पे अब हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते रहा इस तरह पूरा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गाइस। तो जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू अपडेट गाइस। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए अपडेट में, और काफ़ी ज़्यादा नए अपडेट में। तो गाइस आज का जो मेरा अपडेट है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में गाइस गटर लॉन्च हुआ था, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वर्क चल रहा था, उस पर फाइनली 3 गटर लॉन्च हो चुका है। तो मैं आप लोगों को आज वही दिखाने वाला हूँ और वही बताने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा नया अपडेट है और काफ़ी ज़्यादा खास अपडेट भी है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को 2 गटर सुना था और तीसरा गटर लॉन्च होते हुए देखा था, पर अभी तीसरा गटर जो है वो लॉन्च हो चुका है पूरी तरीके से। अब चौथा गटर लॉन्च होने की तैयारी करेंगे लोग, तो देखते हैं आज हम चल के इस पूरे वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो गाइस चलो चलते हैं पीछे कैमरे पर बिना समय गंवाए। सो गाइस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ पे सामने डिस्क्रिप्शन पे टाइटल पे अगर आपको दिख रहा हो रिच भाई इन्वेस्टिंग, तो आप रिच भाई इन्वेस्टिंग पे क्लिक कीजिए, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से लिंक लीजिए, उस चैनल को भी जाके आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस चलते हैं पीछे की वीडियो पे और दिखाते हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नया अपडेट। सो गाइस मैं आपको यहीं से दिखा दूँ कि यहाँ से देखो किस प्रकार से दिख रहा है, 3 गटर जो लॉन्च हुआ है, पर यहाँ के जो गटर लॉन्च हो रहे हैं वो लग नहीं रहे गटर लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ के जो गटर लॉन्च लग नहीं रहा गटर लॉन्च हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना धीरे काम हो रहा है, इतना धीरे काम हो रहा है कि पूछो मत। अभी नवसारी में मैंने देखा था जो, क्योंकि वहाँ के पिलर भी छोटे थे और वहाँ के गटर देखने में काफ़ी अच्छे लगते थे लॉन्च होने के बाद, बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। लगभग 2 से 2.5 महीने में 3 गटर जाके लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कहीं प्रोग्रेस किया गया हुआ है। बट अभी चलते हैं थोड़ा पास से, देखें तीसरा गटर जो लॉन्च हुआ उसको देखते हैं किस प्रकार से वो लॉन्च हुआ है, क्या उसकी अभी क्या क्या अभी उसमें बाकी है, पूरा हो चुका है, चल के आपको वो दिखाते हैं बताते हैं। और ये अहमदाबाद की गाइस अपडेट है, अहमदाबाद से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बुलेट ट्रेन का वर्क, जो कि बुलेट मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, आपने सुना ही होगा कि सबसे पहले जो मेरे देश में हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। और आप देख रहे हो बगल से ट्रेन भी जा रही, यहाँ बगल से ट्रेन भी जा रही है, आप देख सकते हो पूरे पूरे, तो ये ट्रेन भी बगल से बिल्कुल है, थोड़ा सा अगर बीच में 2 इंसान खड़े कर दिए जाएँ तो पिलर में टेच हो जाएंगे, इतनी करीब से ये ट्रेन जा रही है। और इस ट्रेन की पटरी के इस पार से होके इस ब्रिज के ऊपर से होके ट्रेन जाने वाली है, यानी साबरमती तक। सो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो NHSRCL का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ इस तरफ यहाँ पे, और यहाँ इस तरफ अभी हमने उस तरफ देखा, जैसे कि हमने ब्रिज के उस तरफ देखा कि फाइनली अभी गटर लॉन्च हो रहा था। और यहाँ पे अब हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते रहा इस तरह पूरा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि मतलब हाँ यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन वर्क होना है। बट हमने भी ब्रिज के उस तरफ देखा, उस तरफ ब्रिज के गटर लॉन्च हो रहा था, 3 गटर फाइनली लॉन्च भी हो गया है, पर ब्रिज के इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ भी कोई भी वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कोई भी वर्क नहीं स्टार्ट हुआ अभी, इस तरफ वर्क स्टार्ट होना बाकी है इस तरफ पूरे पूरे जमीन देख लो, पूरा जमीन वैसे पड़ा हुआ है, इस तरफ थोड़ा भी आपको वर्क नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा भी नहीं, कहीं भी नहीं, पूरा पूरा वैसे पूरा वर्क ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी मोड़ी गाड़ियाँ आई गई थी, थोड़ा मोड़ा साफ सफाई हुआ था, जहाँ जहाँ पे पिलर आने वाला है वहाँ पे जगह मापे जा चुके हैं। और हम बात कर रहे थे उस तरफ की ब्रिज की, हम आज पूरा गटर लॉन्चिंग देखने वाले थे, पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया उसमें इरादा, मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को पहले ये दिखा दूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे वर्क हो रहा है। और उस तरफ देख रहे हो ना बगल से रेलवे पटरी वहाँ से ही गई हुई है, यहाँ से बगल से ही रेलवे पटरी यहाँ से ही है, देख रहे हो आप रेलवे का जो खंभा लगा हुआ ट्रेन का वायरिंग का जो तार लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, और देख रहे हो यहाँ सब पिलर आने वाला है, इसलिए यहाँ सब बनाया गया हुआ है, रास्ता भी थोड़ा बनाया गया था, एक दो गाड़ी भी यहाँ पे आई थी, बट यहाँ पे कोई खास वर्क नहीं स्टार्ट हुआ है। और उस तरफ 3 गटर लॉन्च हुआ, पूरे पूरे पिलर उस तरफ रेडी हैं, ब्रिज के उस तरफ पूरे पूरे पिलर जो हैं वो रेडी हैं, बट इस तरफ भी कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर हम यहाँ से थोड़े 500-700 मीटर की आगे दूरी की बात करें आगे, हाँ अगर हम यहाँ से भी बात करें आगे 700 मीटर की दूरी की बात करें अगर आगे इस तरफ तो आएगा वटवा रेलवे स्टेशन, जो कि आपने वहाँ से देखा है कि किस प्रकार से वर्क चालू है, स्टार्ट है पूरा काम, तो पिलर भी 4-5 बनाए गए जिन पे भी कैप नहीं लॉन्च हुआ है, बट पिलर भी पूरे पूरे रेडी हो चुके हैं उस तरफ भी काम चालू हो गया, यानी मणिनगर रेलवे स्टेशन तक और साबरमती का रेलवे स्टेशन तैयारी हो गया। देख रहे हो आप यहाँ पे दो बोर्ड लगी, दो खंभे यहाँ पे गड़े हुए हैं, जो दो खंभे हैं वो यहाँ पे गड़े हुए हैं, और इसके बीच में ही बुलेट ट्रेन का वर्क होने वाला है, क्योंकि इस तरफ रेलवे की ज़मीन है, इस तरफ भी रेलवे पटरी है, तो रेलवे को भी जगह लग सकता है ज़रूरत, तो इसलिए उन्होंने दिया नहीं। देखो एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है ये रहा, एक बोर्ड यहाँ पर ये लगा हुआ है, और एक बोर्ड यहाँ पे सामने वहाँ पे लगा हुआ है वो रहा, तो इतना सारा वर्क इस तरफ हुआ है। यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं हो, घास फूस लगे हुए हैं, अगर यहाँ से हम बोले तो 500 या 700 मीटर आगे जाते तो आएगा तुरंत बहुत ही हार्ड वर्क, यानी कि आगे पिलर वर्क चालू है। सो गाइस अभी हम आज देख रहे थे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट रूट क्या है, कहाँ कहाँ पर कितना कितना काम हो चुका है,
तो हमने अभी ब्रिज जो किड़ील वो रिंग रोड का फुल है उसके उस पार देखा कि बुलेट ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। उस तरफ 3 गटर भी लॉन्च हो चुके हैं, तमाम सारे जो पिलर थे वो भी रेडी हो चुके हैं। बट अगर हम ब्रिज के इस तरफ की बात करें तो इस तरफ आपने देखा कि किस प्रकार का वर्क हुआ है। मैं तो आप लोगों को पहले फाइनली उधर का ही दिखाने वाला था, पर मुझे थोड़ा डिसाइड किया कि नहीं पूरा उस तरफ का दिखाएंगे तो क्या, हम तो देखे ही हैं, बट थोड़ा इधर का भी वर्क देखेंगे, उस तरफ कितना वर्क हुआ है, इस तरफ कितना वर्क हुआ है। बट अगर यहाँ से मुझे बोला आप 500 मीटर आगे जाएंगे भटवाड़ी स्टेशन, तो उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हो चुका है। बीच में भी वर्क होना है, जगह आपने देखा कितना सारा थोड़ा सा जगह छूटा हुआ है, पिलर बनने भर का ही जगह छूटा हुआ है। सो गाइस, आप रिच भाई यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे का ब्लैक बटन दबा के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस पर रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे मुंबई टू अहमदाबाद के।